कृपा अवे
हो
अधम देता।
राम नाम मन मुख में बोले, राम नाम भी
सत्यं शिवं मंगलं सत्यं शिवं मंगलं वृद्धि सुखी हो बहर सीला तेरे तो वह है अनुरूपा प्रिय
उसने मुझे भी रूप बनाया। सच समझो ये कारण तेरे, नाक कान कटे जभी मेरे, तो भी तुझको समझ ना आती, माने नहीं जो मैं हूँ सुनाती। यदि तुम सीता लाना चाहो तो तुम देना पैर उठाओ, इसी समय भारत को जाओ, राघव को हन सीता लाओ। उष्ण मापक का जो ही पारा चढ़े उष्ण में बनकर धारा, विषय लाल सा उसकी भारी, बड़ी चढ़ी कर बहुत सवारी। जैसे जन हो भूता वेशी, ऐसे बना वह बहुत कलेशी, विषय वासना बहुत विषैली, उसमें बड़ी बहु बुरी मैली। जो डसे अति विष धरि काली, उसको डसी त्यो बहन बेयाली, विषम विषय विष में वह काली, बहु व्याकुल बना कुपतगामी। काल कूट विष का आहारी, को देता यथा चेत न सारी, मदिरा मत यथा अविचारी, उसने सुध बुध तथा विसारी। वह उठा तब अति झुंझलाता, मद मोह मत बहु बल खाता, चिंतित क्रोधी शोकी मोही, रथशाला में आया सोई। उसने सारथी धीरे बुलाया, रथ जोड़ो आदेश सुनाया, रथ जितने पर असुर पुचारी, उसमें बैठ चला अपकारी। पार सिंधु कर अपर किनारे, आया वह मन में चल धारे, जटा जूट बैठा मुनि वेशी, देख मारी इच निज कुल देशी। उसको मिला फिर प्रेम दिखाता, उस पर वह प्रभाव जमाता, उसने भी आदर से माना, पूछा उससे पुनरपि आना। बोला रावण तब उसे, है तुझको सब ज्ञात, रामचंद्र ने है सब किया असुर विनिपात, जन स्थान को उजाड़ कर असुर दलों को मार, सब तंत्र स्वदेश कर वह पूज रहा अपार। बाहुबल बहु शक्ति से उसने सब मुनि लोग, निर्भय मन में कर दिए अद्भुत किया उद्योग। गया निकाला ग्रह से जो उसने कर कोप, भारत के भूभाग से किया हमारा लोप। अहित असुर का वह सदा करता है बलवान, उससे मेरी बहन के कटे नाक दो कान। देशभक्ति के भाव से आर्य जन के काज, ऋषि मुनि दल सो गठित कर बल से रहा विराज। सीता उसकी पत्नी है रूप रंग भंडार, लाऊंगा हर कर उसे तेरा हो सहचार। भाई देवे योग जो तू हो मेरे पास, मैं दे सकता हूँ अभी देवों को भी त्रास। कौन काम जो हो नहीं जब तू देवे योग, बनो सहायक हे बलि तज कर आलस रोग। समर शक्ति सामर्थ्य में तुझ सा वीर न और, चल माया सम्मोह का तू अतुल्य है ठौर। आशा से मैं तो यहाँ आया हूँ मम्मी, मोह माया रच कर छल लो राघव को जीत। जो कुछ करना है तुम्हें उसे सुनो धर ध्यान, बन जाओ माया मृग मोहक मधुर महान। सुंदर रूप स्वर्ण सम चम चम रच अनमोल, राघव कुटी उद्यान में करना खेल किलोल। आकर्षण कर सिया को मन दृष्टि कर बंद, छलना छल छवि छटा से छद्म रूप स्वचंद। मोहित रघुपति को तथा करके अधिक असार, तेज शक्ति से दीन को मैं दूंगा तब मार। रावण के प्रस्ताव से उसके कांपे अंग, मोह नयन सूखे तभी पीत पड़ा मुख रंग। शुष्क होठ को चाबता बोला तब मारीच, मुझको कभी न डालिए मृत्यु मुख के बीच। विरले जन है जगत में जो कहते हित बात, अहित करी मीठी सभी कहते हैं दिन रात। जय राम जय जय राम, मीठी वस्तु कुपथ्य का करे रोग अति भोग।
ध्यान। गया निकाला देश से पर फिर भी गंभीर, क्रोध लोभ से रहित है सुखी शांत वह धीर। पितृ प्रण को पालना अर्पण कर निज प्राण, परम प्रण जिसने किया उसको अल्प न जान। कामी लंपट वह नहीं नहीं रहित आचार, जितेंद्र शुचि पुरुष है पंडित रहित विकार। उद्यमी उद्योगी बड़ा उत्तम तप मतिमान, सदा सजग रहता सबल जगति ज्योति निधान। सती पत्नी उसकी सिया सूर्य ज्योति समान, बहुत सुरक्षित आप है उसकी बने नहान। अग्निशिखा प्रचंड वत सिया रही है शोभ, उसके हरण स्पर्श का तू तज दे सब लोग। बात कहता हूँ तुझे मैं सुनो धर निज कान को, फिर रहा था एकदा मैं लिए गौरव मान को। नील मेघ समान भय कर कर ऋषि जनहान को, करता भक्षण मास उनका पाते वे ना त्राण को। होता दंडक मन में मुझसे नित्य मुनि जन मारना, मैं जाता जहाँ वही तो उन्हें पड़ता हारना। बहुत विधि से वे चाहते मुझे नित्य निवारना, इधर असुर दल सबल सभी पक जाए पसारना। विश्वामित्र ऋषि वर गए दशरथ में बलि, उसे बोले मारिच भय कर है वनों में अति छली। हनन करता रात दिन है ऋषि मुनि गण को दली, घोर विपदा बनी जन से सती टाले ना टली। पर्व दिवस में ले दीक्षा हम रहेंगे होश मी, रामचंद्र रक्षा हित दो जो सूरमा है दमी। बोले भूप है युवक वह यही भारी है कमी, सबल सेना मुझे मांगो जड़ उखाड़े जा जमी। बहुत वाद विवाद होकर मान मुनि के कथन को, रामचंद्र दिया उसने असुर दल बल मथन को। आर्य गण के सुगठन को जन मुनि के ग्रथन को, आश्रम में ऋषि ने सो शत्रु भी मथन को। मौन विधि से यज्ञ रच कर शांत सब मुनिवर हुए, रामचंद्र सहित लक्ष्मण रक्षा में तत्पर हुए। एक वस्त्र पहने सुंदर पहरिए वे नर हुए, और वेदी उस समय हम दौड़े अग्रसर हुए। मुझे आता देख कर तब धनुष में धर्मान को, कर सीधा सर्वे मेरे लगा हरने प्राण को। दूर गया मैं तो फेंका पाता ना परिधान को, हुआ गिर कर अति चकित देख पुरुष पुराण को। भ्रांत चित्त उसी समय से मान में हो गया, मस्तक मज्जा जाल मेरा तभी से तो सो गया। वीरता का भाव सारा है सर्वथा खो गया, बहुत मोहक बाण बाका भय बीज है बो गया। जहाँ जाऊँ वहीं पर वह दीख पड़ता है मुझे, रामाकार देख सहस्त्रों भीत हो मम मन बुझे। दौड़ पड़ता हूँ चिल्लाता भागते न स्थल सुझे, होता है अति भय मुझको वह बताऊँ क्या तुझे। जाता हूँ जब मैं मन में भ्रम होता है कभी, दीख पड़ती वृक्ष माला राम रूपा तो सभी। वृक्ष चर्म चीर देह दर धनुष ले दौड़े अभी, आते हैं रघुपति शत शत मुझे हन्ने को तभी। स्वप्न में रघुपति मूर्ति देखता हूँ भय करी, चौक पड़ता भागता हूँ देख मैं वह धनु धरी। रकार युक्त नाम सुन मम देह जाती है ठरी, चेतना सब लुप्त होती जीवनी जाती हरी। मैं गया हूँ जाने उसका जो अतुल प्रभाव है, उसकी पत्नी हरण करना बुरा बहुत बनाव है। जाति कुल के नाश का यह दुष्ट दारुण दाव है, वैर वृक्ष का बीज बोना बहु व्यर्थ कुचाव है। कुकर्म से यदि तब भगनी अंग भगना है बनी, अपराध कौन रघुपति का है कहो लंका धनी। खर दूषण ने व्यर्थ ही की उनसे तनातनी, कौन है अपराध इसमें यदि से ना गई हनी। हित कांक्षी हूँ मैं तेरा कथन मेरा मान ले, दिव्य शक्ति बल में राघव अजय नरवर जान ले। विषय वासना के वशो विषम वैर ना पान ले, शांत होकर बैठना अब चित्त में तू ठान ले। मरण मुखिया रुग्ण मानव सेवन औषध ना करे, कुपथ्य करके जो आतुर अपने
उसके कथन पर ना कर्ण उसने तो धरे, उल्टा होकर बहुत कुपित वचन बोला फिर फिरे। जो मारीच तूने कही विस्मय यह बात है, वीर भावना रहा तुझ में नई विचार उद्यात है। जिस प्रवासी रघुपति ने किया आसुर घात है, उसकी पत्नी हरण में तो मेरा बल विख्यात है। बहुत ही विपरीत है यूं उलट बातें बोलना, भूप से अति उलट चलना, मुंह बढ़कर खोलना, कथन नहीं तुरंत करना, चित्त में विष घोलना, विनय शिष्टाचार सभी तद व्यर्थ युक्ति थोलना। माननीय भूपति है सर्व को सब काल में, अग्नि संप्रचंड है वह चतुर है शुभ चाल में, देव रूप दिव्य भूप है शक्ति तेज विशाल में, रुष्ट करना उसे है ही पढ़ना काल गाल में। भूप में हूँ अतिथि तेरा, दे मुझे अति तोष को, निजू अवगुण नहीं पूछे नहीं पूछा दोष को, कथन करे यदि तू मेरा पाएगा परितोष को, आज्ञा भंग से नहीं तो सहेगा मम रोष को, मार डालूंगा तुझे मैं यदि अब तू नहीं चले, तुझको तो हनन कर दूंगा सीता को यदि ना चले, खो देगा तू जी जीवन यदि हट से नहीं टले, अभी मेरे कोप से तब अंग जाएंगे दले। बलात्कार से है करना तुझे मेरा काम तो, रघुपति पे भय होगा यहाँ पर यम धाम तो, राज वचन न मानना है त्याग न आराम तो, मेरे लिए दुख से कर पाएगा सुख नाम तो। सुन सब रावण के वचन बोला वह मारीच, सीता हरण की सम्मति तुझे कौन दे नीच, सचिव कौन है जो तुझे करना चाहे नाश, किसके मन में है बसा आसुर वंश विनाश, मंत्री हनन योग्य है जिन्हें न सूझे रोक, इस पथ पर चलकर तुझे होगा दुख अतिशोक, मंत्री ना टाल तो समझो है आ गया कुल का अंतिम काल, जिनका राजा तू बना उन असुरों का वंश, होगा राघव हस्त से शीघ्र नष्ट निरंश, कुटिल कुमत कटु कामना तब कलुषित कुविचार, काले कर्म कठोर यति निज कुल देंगे मार, मरना तो है ही मुझे इस जग में एक बार, अपेक्षा से भला मरो शत्रु के द्वार, मैं तो मर कर ही रहूं राघव के जा पास, चिंता मुझे है तू अब भोगेगा दुख रास, चलो चले अब चपल नर चले चातुरी चाल, चकमा देवे चतुर को चित चेतना टाल, पर दंडित होगा कभी जो तू बड़ा उदंड, घमंड खंड होगा तब मुझे मरण भी दंड, भावी है अति बलवती तुझ पर हुई सवार, मेरे वश अब कुछ नहीं तुझ में नहीं विचार, मारीच मुख से सुन सब रावण हर्षित गात, मित्र भावित स्नेह से बोला उसको बात, सुहित स्नेही तू सखा सच्चा बड़ा हितकार, मेरा भेदी है भला चिर का शुभ सहकार, बैठो रथ में हे सके ऐसा रचना ढंग, सीता राम चंद्र का यथा संग हो भंग, ताटक सुत चल कर अब सीता को लोमो, राम चंद्र का छल से करना बहुत बिछो, कर लूंगा सीता तभी मैं बदल आकार, कार्य सिद्ध से सुहृद पाओगे उपहार, ऐसी बातों बीच में गिरी नदी संस्थान, लांग कर पहुंचे वहां नर थे जहां महान, ऐसी बातों बीच में गिरी नदी संस्थान, लांग कर पहुंचे वहां नर थे जहां महान। सर्वशक्तिमान